हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इस प्रकार से लिखा जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका जो टॉपिक है वो है आपका केंद्रक। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने आपको सामने सेल बनाई है। ये सेल कौन सी है? ये सेल आपकी है एनिमल सेल। अगर गोल सेल होगी तो ये सेल कहलाएगी एनिमल सेल, ठीक है ना। तो यानी कि इसको बोलते जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। बीच में आपका क्या है? ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसका नाम है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिख दे रहे नाम, यहाँ इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर एक पदार्थ भरा हुआ है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा? ये आपका न्यूक्लियस कहलाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिकाएं। तो ये आप देख रहे हैं, इसी में आपके डीएनए पाए जाते हैं, इसी में क्रोमेटिन होते हैं। जो आपके क्रोमेटिन होते हैं, आप देखिए, जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो आपके इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्रोमेटिन के, ठीक है। टेढ़े मेढ़े जो धागे देख रहे हैं ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। प्री स्पष्ट हो जाते हैं तो तब जाकर के ये डीएनए बनाते हैं। तब क्या बनाएंगे? तब बनाएंगे आपके डीएनए। तो इस प्रकार से ये डीएनए बन जाता है, ये क्रोमेटिन होते हैं, इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, तब ये बन जाते हैं आपके गुणसूत्र, नहीं क्रोमोसोम, तब बनते हैं। तो इस सेल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका कौन सा है? वो आपका न्यूक्लियस केंद्रक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है तो उनकी एज होती है 30 मिनट, ठीक है। जिनमें होता है तो उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, एनिमल के अकॉर्डिंग एज होती है। अगर केंद्रक नहीं पाया जाता है तो 30 मिनट तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ब्लूग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सभी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उनमें उनकी एज 30 मिनट तक होती है। जिनमें केंद्रक पाया जाता है तो डेवलपमेंट होती है, वृद्धि होती है एज की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक जिन्होंने 1831 में खोज की थी, ठीक है। फ्लेमिंग ने केंद्रक के में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित थे उनको नाम बताया क्रोमेटिन। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था, ये आपका क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। तो क्रोमेटिन क्या? क्रोमेटिन आपका यही है, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे केंद्र कहते हैं। तो गोल गोल कौन रचना? ये वाली है, इनका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोलस, या फिर इनको केंद्र का बोलेंगे, ठीक है। समानांतर झिल्लियों से बना जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है इस प्रकार से, एक ये और एक ये, दोनों में जो स्पेस होता है वो कितना होता है? वो होता है आपको 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। उस तो स्पेस का जो नाम होता है उसको बोलते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक द्रव्य मेम्ब्रेन होती है, उसमें ये अवकाश होता है, स्पेस होता है, उसे बोलते हैं। यह केंद्र आवरण केंद्रक से मिलने वाली द्रव कोशिका द्रव के बीच अवरोध का काम करता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें जो मटेरियल भरा होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें जो पदार्थ भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है आपका इसका डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम है न्यूक्लियस का, केंद्रक द्रव मीन्स इसके अंदर भरा है, ये केंद्रिका जो गोल गोल रचनाएं हैं उनको केंद्र क्या बोले, या केंद्र तो बोलेंगे। केंद्र छिद्र, ये छिद्र होता है जो पदार्थ का आना और जाना इसी से लगा रहता। एक केंद्र झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ये है, ये आपका केंद्रक की क्या है? संरचना है। आपको ये नोट करना है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है आप उसको क्या करते हैं? नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।